नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 11 सूत्री मांग को लेकर फुटकर विक्रेताओं ने दिया धरना, नगर आयुक्त ने दिया आश्वासन। भागलपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स ने सदस्यों की सूची की जारी, अध्यक्ष बोले फुटकर विक्रेता भी हमारे पार्टनर। सरकार के निर्देश पर सीओ ने पंचायत में चल रही योजनाओं की ली जानकारी, गुणवत्तापूर्ण कार्य का दिया निर्देश। रेलवे वरिष्ठ विमान की मांग को लेकर सभी दलों के नेता हुए एकजुट, कहा 10 दिनों में नहीं हुआ काम तो रेलवे का चक्का होगा जाम। और जंगलेश्वर महादेव मंदिर से निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा। अब खबरें विस्तार से। फुटपाथ विक्रेता संघ के बैनर तले बुधवार को भागलपुर नगर निगम परिसर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर फुटपाथ विक्रेताओं ने नगर निगम परिसर में जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। धरना का नेतृत्व मार्केट कमेटी की ओर से किया गया। वहीं फुटपाथ विक्रेता संघ के अध्यक्ष संतोष कुमार साह, घंटाघर मार्केट के अनूप कुमार चौधरी, तिलका मांझी सब्जी मार्केट के धर्मेंद्र कुमार के अलावे सैकड़ों विक्रेताओं ने नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान शहर के करीब 600 फुटपाथ विक्रेताओं ने जिला एवं नगर निगम प्रशासन से वेडिंग जोन में मार्केट के बैंडर्स को सीमांकन कर सुव्यवस्थित करने, बैंडर्स मंथली शुल्क वसूली, वेडिंग जोन में बैरिकेडिंग करने के अलावा सभी मांगों पर अपनी बात रखी। साथ ही कहा कि फुटपाथ विक्रेताओं को नगर निगम प्रशासन बेवजह परेशान करती है, जबकि प्रशासन को उन्हें अस्थाई जगह देकर रोजी रोटी की व्यवस्था करने की जरूरत है, जिससे फुटपाथ विक्रेता अपना गुजर बसर कर सके। वहीं इसको लेकर नगर आयुक्त योगेश कुमार सागर ने कहा कि फुटकर विक्रेताओं की मांग जायज है और उनकी मांग को जल्द ही पूरा किया जाएगा। साथ ही नगर आयुक्त ने कहा कि निरीक्षण करने के बाद सभी मांगों पर विचार किया जाएगा और देखा जाएगा कि शहर में बैरिकेडिंग कर कहां कहां वेडिंग जोन बनाया जा सकता है। आज का प्रदर्शन जो है स्ट्रीट वेंडरों के द्वारा है, अपने अधिकारों की मांग के समर्थन में। आजकल निगम प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत प्रथम टारगेट जो है उन लोगों ने फुटकर विक्रेताओं को किया है, जबकि कानून कहता है कि फुटकर विक्रेताओं को जगह देकर के व्यवस्थित करना है, इसकी रोजी रोटी को संरक्षित करना है, जिसके खिलाफ हम लोग जो है आज प्रदर्शन धरना के माध्यम से जो हमारे टाउन वेंडिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं नगर आयुक्त महोदय, उनको अवगत कराना चाहूँगा अपने वेंडर्स भाई के 11 सूत्रीय मांगों के साथ। हमारे वेंडर्स की जो समस्याएं हैं, कठिन समस्याएं हैं, उनको अवगत कराना चाहूँगा और मांग करूँगा कि हमारे स्ट्रीट वेंडर के लिए जो नियम कानून बने हैं, जिसके तहत नगर निकाय के द्वारा 58 जगह वेंडिंग जोन बनाया गया, उसमें व्यवस्थित करके इनको सुनियोजित ढंग से बसाया जाए, इनकी रोजी रोटी को संरक्षित किया जाए। देखिए, फुटकर विक्रेता जो यहाँ पर एकत्रित हुए थे, उनके जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा अपनी समस्याओं के बारे में यहाँ पर अवगत कराया गया है। तो चूँकि आप सभी लोग जान रहे हैं, पिछले कुछ समय से लगातार अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चल रहा था, सभी चौक चौराहों पर अतिक्रमण हटाते हुए वन वे की सुविधा करते हुए, जिससे शहरवासियों को ट्रैफिक की कोई दिक्कत नहीं हो। उसके ही उसमें जो भी हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, क्योंकि वहाँ पर भी कहीं ना कहीं वो लगाए हुए थे, तो उनको भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हमने उनकी समस्याएं ले ली हैं, उनको भी सुना जाएगा और हम शहर में कुछ स्थान चिन्हित करके जितने भी वेंडर्स होंगे उनको व्यवस्थित रूप से उनको जगह देने के कार्य करने के लिए हम लोग उसमें आगे अग्रतर कार्रवाई करें। भागलपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स का गठन होते ही फुटकर विक्रेताओं के हित और अधिकार की बात जोर पकड़ने लगी है, जिसको लेकर बुधवार को शहर के बंसी झा लेन स्थित चेंबर ऑफ कॉमर्स कार्यालय में संजीव कुमार शर्मा उर्फ लालू शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में चेंबर ऑफ कॉमर्स के संरक्षक कार्य समिति सदस्य, सम्मानित सदस्य, आमंत्रित सदस्य एवं विशेष आमंत्रित सदस्यों के अलावा संस्था से जुड़े कई पदाधिकारियों और सदस्यों की सूची जारी की गई। वही प्रेस
कॉन्फ्रेंस के दौरान भागलपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष लालू शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से आगामी 11 जून से वृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया जाएगा, साथ ही समाज में नशा मुक्ति के लिए नुक्कड़ नाटक और जनसभा आयोजित की जाएगी। लालू शर्मा ने महिला उद्यमी, फुटकर दुकानदार और छोटे व्यवसायियों के हितों के संरक्षण की बात कही। उन्होंने कहा कि संस्था के सदस्य प्रशासनिक अधिकारियों को साथ लेकर छोटे व्यवसायियों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। प्रेस वार्ता में अध्यक्ष ने जानकारी दी कि आगामी 15 जुलाई से योजनाबद्ध तरीके से सभी वार्डों में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें युवाओं और महिलाओं को विशेष रूप से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। संजीव कुमार शर्मा ने कहा कि फुटकर व्यवसायी को हम अपना पार्टनर मानते हैं, जिसके लिए सरकार और जिला प्रशासन से वार्ता कर स्मार्ट सिटी में स्मार्ट जोन की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि शहर से अतिक्रमण हटाना अच्छी बात है, लेकिन प्रशासन को चाहिए कि पहले फुटकर विक्रेताओं को अस्थायी जगह दे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भागलपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव रवि प्रकाश बुधिया, कोषाध्यक्ष कन्हैया लाल शर्मा, वरीय उपाध्यक्ष प्रीति पांडे, संगठन सचिव अभिषेक अग्रवाल, सुड्डू साई, कुश पांडे, करण शर्मा समेत कई लोग मौजूद थे। 11 जून को ही हम लोग एक नशा मुक्ति जागरण के लिए भी नुक्कड़ सभा करेंगे और रैली निकालेंगे कि समाज के युवा नशा से दूर रहें। तीसरा हमारी योजना में है अभी जो फिलहाल मई जून से कि हम महिला उद्यमी और फुटकर छोटे छोटे दुकानदार का सम्मान बढ़ाने हेतु छोटे छोटे कार्यक्रम करेंगे, ताकि फुटकर दुकानदार और छोटे दुकानदार एवं महिला उद्यमी या महिला दुकानदार जो कि छोटी छोटी पूंजी लगा के कई गली नुकड़ों में अपने कार्यक्रम करती है या अपना व्यापार करती है, उनके सम्मान को कैसे बढ़ाया जाए और वो भी व्यापार संगठन में मुख्य धारा में जुड़े और ये समझे कि हम भी व्यापारी हैं और सम्मानित व्यापारी हैं, वैसी महिलाओं को हम लोग आगे लाएंगे और उनका उनके द्वार पे जाके सम्मान करेंगे। फुटकर व्यवसायी जहां काम कर रहे हैं वहां आराम से काम करेंगे, ये बात सरकार के बात भी पहुंची है और आप लोग को बताते हुए खुशी होगी, हमारे भाई परिमल जी को तो और दीपक जी को जानकारी भी है कि मुख्यमंत्री महोदय ने भी हमको बधाई दी और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित किया, तो हम लोग वहाँ भी बात रखेंगे। फुटकर दुकानदार जैसे जहाँ हो क्या रहा है कि एक आदमी को अगर 30 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए तो वो 300 स्क्वायर फीट पे कब्जा कर रहा है। फुटकर व्यवसायी आप घूमिए इस एरिया में, सब जगह स्टॉल लगा काम कर रहा, लेकिन वो एक अपना और एक अपना और, तो सबको बांट के देना चाहिए और जगह जो है उसी में करना होगा। यातायात तो बाधित हम कर नहीं सकते। सरकार के निर्देश पर नाथनगर अंचलाधिकारी स्मिता झा ने रत्तीपुर वैरिया पंचायत का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सरकार प्रायोजित 14 लाभकारी योजनाओं का हाल जाना, जिसमें हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली नाली योजना, उच्चतर माध्यमिक, माध्यमिक व प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति, सरकारी आवासीय विद्यालय की स्थिति, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा केंद्र व विभिन्न स्तर के अस्पताल, लक्षित जन वितरण प्रणाली, दुकान आदि प्राप्ति केंद्र, ग्रामीण सड़कों का निर्माण एवं अनुरक्षण, मनरेगा योजना, ग्रामीण आवास योजना, पंचायत, सरकार भवन, समाज कल्याण की पेंशन योजना एवं भू राजस्व शामिल था। इस दौरान लक्षित जन वितरण प्रणाली, दुकानों की जांच में राशन, किरासन तेल का उठाव, भंडार का सत्यापन, राशन केरोसिन वितरण की स्थिति और खाद्यान्न की गुणवत्ता की जाँच कर लाभार्थियों से फीडबैक लिया। मनरेगा योजना में मजदूरी भुगतान और मास्टर रोल संधारण योजना की गुणवत्ता की जानकारी भी ली। इसके अलावा पंचायत सरकार भवन में पंचायत सेवक, राजस्व कर्मचारी व अन्य कर्मियों की उपस्थिति, सरकारी कामकाज का संचालन, लोकसभा केंद्र का संचालन, बिजली की उपलब्धता, इंटरनेट की उपलब्धता, भवन की स्थिति की भी सीओ ने जानकारी ली। आज विभिन्न योजनाओं का जांच हुआ है, विभाग द्वारा आवंटित पंचायत अलग अलग पदाधिकारी को आवंटित हुई है, तो मुझे ये रतिपुर बैरिया आवंटित हुआ था। यहाँ पे हमने डीलर का जांच किया, तो डीलर के पास तो स्टॉक पंजी और वितरण पंजी सारा अध्ययन किया हुआ था, और जो ग्रामीणों से पूछताछ की गई तो उन्होंने भी वितरण का वितरण से वो लोग संतुष्ट थे, कोई इनके द्वारा कंप्लेंट नहीं दर्ज किया गया। और पंचायत भवन में भी कार्यपालक सहायक के कार्य से सब संतुष्ट थे।
एक दवाई था लेकिन उन्होंने साइड करके पहले से ही रख दिया था, वो एएनएम ने पहले से ही साइड करके रखा हुआ था, वो इसी महीने एक्सपायर हुआ था, उन्होंने अलग करके रख दिया है उसको वापस भेजने के लिए, उसको डिस्पोज करने के लिए, बाकी सब तो सही था। पीरपैंती रेलवे स्टेशन पर रेल ब्रिज संख्या 91 के अतिशीघ्र निर्माण की मांग को लेकर सर्वदलीय धरना दिया गया। लोगों का कहना है कि करीब 2.5 वर्ष से रेलवे पुल टूटा हुआ है जिससे आमजन को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इसको लेकर लोगों ने स्टेशन प्रबंधक को ज्ञापन सौंप कर 10 दिनों के अंदर रेलवे उल्टा पुल चलने लायक बनाने की मांग की। साथ ही कहा कि यदि जल्द ही काम नहीं पूरा हुआ तो पीरपैंती में रेल परिचालन बाधित कर रेल चक्का जाम किया जाएगा। इधर स्टेशन प्रबंधक ने बताया कि अगले 20-25 दिनों में रेलवे पुल का काम हो जाएगा। मौके पर राजद प्रखंड अध्यक्ष रंजीत शाह, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, रमेश रमन, मुजाहिद सुमन मिश्रा सहित प्रखंड के काफी संख्या में लोग मौजूद थे। देखिए, मेरा तो पूर्व प्रस्तावित मुद्दा था कि रेलवे उल्टा पुल संख्या 91 के निर्माण में हो रहे विलम्ब के खिलाफ सर्वदलीय धरना एक दिवसीय था जिसको आज हम लोगों ने पूरा किया और 10 दिन के बाद 11वां दिन 6 तारीख को रेल प्रशासन को ये हम लोग मांग किए हैं कि 10 दिन के अंदर यदि पुल चलने लायक नहीं बन पाएगा, पब्लिक चलने लायक, गाड़ी चलने लायक तो नहीं बन पाएगा 10 दिन में, ये मैं जानता हूँ, पब्लिक चलने लायक नहीं बन पाएगा तो 11वां दिन 6 तारीख को हम लोग रेल का चक्का जाम करेंगे। जब कोई समस्या व्यक्तिगत समस्याओं के सामूहिक हो जाती है तो उसके लिए सामूहिक प्रयास और सामूहिक चिंतन जो है किया जाना चाहिए। उसी क्रम में आज रंजीत शाह जी के नेतृत्व में पीरपैंती ब्रिज संख्या 91 के विरोध में जो धरना प्रदर्शन किया, ये उचित मांग है और यहाँ के हर एक अंतिम आदमी की समस्या है जिसके समाधान के लिए हम लोग यहाँ जुटे हैं। और जब कोई समस्या का समाधान नहीं होता है तो धरना प्रदर्शन एकमात्र विकल्प हो जाता है कि उससे हम सरकार के कानों तक जो है आवाज़ को पहुंचाते हैं। भागलपुर के विक्रमशिला कॉलोनी रामसर स्थित जंगली काली स्थान परिसर में जंगलेश्वर महादेव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें परमहंस स्वामी आगवानंद जी महाराज के नेतृत्व में गाजे-बाजे के साथ भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। बुढ़ानाथ गंगा तट पर स्नान कर श्रद्धालुओं महिलाओं ने कलश में गंगा जल भरा और सिर पर कलश लिए महिलाओं एवं श्रद्धालुओं का दल कोतवाली कुपेश्वर महादेव मंदिर होते हुए विभिन्न मार्गों से होकर विक्रमशिला कॉलोनी स्थित जंगली काली मंदिर प्रांगण में जाकर शोभा यात्रा संपन्न हो गई। वहीं दौरान पूरा वातावरण भक्तिमय दिखा जबकि कलश यात्रा में भागलपुर सहित पूरे बिहार और देश की सुख शांति और समृद्धि की कामना की गई। वहीं स्वामी आगमानंद जी महाराज ने शिवलिंग की स्थापना के बाद कहा कि महादेव की कृपा से सभी का जीवन में मंगलमय होगा जबकि भक्ति के साथ आध्यात्मिक माहौल भी लोगों के लिए सुखदायी होगा। कलश शोभा यात्रा में विक्रमशिला विकास समिति के अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह, सचिव DN शाह, राजकुमार पांडे, रवि दुबे, डॉक्टर प्रीति शेखर समेत काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। शिला कॉलोनी रामसर में माता जंगली काली के पावन दरबार में भगवान भोलेनाथ का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। आज का कार्यक्रम है कि कलश शोभा यात्रा तुरंत अभी संपन्न हुआ, इसके बाद पंचांग पूजन होगा, पूजन के बाद फिर भगवान भोलेनाथ को रथ पे सवार करके यहाँ लाया जाएगा, फिर क्रमशः सब वेदी पूजन होगा, वेदी पूजन के बाद फिर क्रमशः अधिवास होगा, जलाधिवास, अन्नाधिवास, घृताधिवास, सब अधिवास होते हुए सायंकाल तक आज का कार्यक्रम ब्रेक होगा, रुक जाएगा। कल फिर सुबह से पूजन आदि के कार्यक्रम के साथ फिर बाबा का नगर भ्रमण होगा। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी।
आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं हम अगली खबर की ओर। भागलपुर सुल्तानगंज अजगैवीनाथ धाम में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला शुरू होने में महज डेढ़ माह का समय शेष रह गया है, जिसको देखते हुए प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई है। वहीं इसको लेकर स्थानीय दुकानदारों ने भी कांवर की दुकान समेत अलग अलग तरह की दुकान लगाने की तैयारी भी शुरू कर दिया है। दुकानदारों ने बताया कि पिछले 2 साल से श्रावणी मेला का आयोजन नहीं होने से 5 लाख रुपये से भी अधिक का नुकसान हो चुका है, जिसके कारण इस बार कांवरियों से जुड़े अधिक सामानों का स्टॉक नहीं किया गया है। साथ ही कहा कि मेला शुरू होने के बाद ही सामानों की खरीदारी थोक विक्रेता से की जाएगी। नहीं हुआ, इस बार उम्मीद है कि होगा। प्रशासन भी तैयारी कर रहा है, हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। सामने में 2 साल में काफी नुकसान हुआ होगा। 2 साल का बहुत नुकसान, इस बार होगा तो हम लोग का ठीक रहेगा। करके जो रोड में कोदर खादर था, जहाँ गड्ढा उड्डा था, यात्री को दिक्कत नहीं हो, उसके पर्पज से जो है रिपेयरिंग हो रहा है रोड का। किनके द्वारा हो रहा है ये कार्य? पालक पदाधिकारी जो है नोटिस जारी किए थे, नमामि गंगे की तरफ से हो रहा है ये कार्य। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के मस्ती पंचायत वार्ड नंबर 1 में मुख्यमंत्री जल नल योजनाओं का लाभ 5 दिन से नहीं मिलने पर ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि वार्ड 1 में मुख्यमंत्री जल नल योजनाओं से बने जल मीनार का मोटर खराब होने पर पानी नहीं मिल रहा है, जबकि PHED विभाग के द्वारा खराब चापाकल भी अब तक ठीक नहीं हो सका है, जिसके कारण दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। इसको लेकर सभी पदाधिकारी को सूचित भी किया जा चुका है, लेकिन अब तक मोटर एवं चापाकल ठीक नहीं होने पर सैकड़ों ग्रामीणों को दूर से पानी लाना पड़ रहा है। पानी का समस्या है। कितना घर में नहीं आ रहा है? सबके घर में नहीं आ रहा है, एक नंबर में किसी में नहीं आ रहा है। वार्ड हाँ? किस पंचायत का है? ये मस्जिद पंचायत। कितना दिन से नहीं आ रहा पानी? और एक सप्ताह से ऊपर हो गया। कारण क्या रहा है? अब कारण आगे जाके पूछिए कि मोटर जला है कि क्या है। कैसे ला रहे हैं पानी आप? हम तो इधर उधर से लाते हैं, दूर से। काफी कठिनाई होती है। इधर काफी कठिनाई हो रही है। हाँ, दिक्कत हो रही है। हाँ, मुखिया जी को कहे हैं? हम लोग नहीं गए, हम कहने नहीं गए। बिहार राज्य तलवारबाजी प्रतियोगिता में भागलपुर की टीम ने 3 स्वर्ण 7 रजत और 6 कांस्य पदक समेत कुल 16 पदक हासिल किया है। मोतिहारी खेल भवन में आयोजित बिहार राज्य तलवारबाजी प्रतियोगिता में सब जूनियर, कैडेट और जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जबकि भागलपुर की ओर से प्रतियोगिता में भाग लेने वाली बालिका वर्ग के खिलाड़ियों ने अपना जौहर दिखाते हुए टूर्नामेंट में विजेता का खिताब हासिल किया। वहीं इसकी जानकारी देते हुए भागलपुर तलवारबाजी संघ के महासचिव राजेश कुमार साह ने बताया कि मोतिहारी में आयोजित 2 दिवसीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में कई जिलों के खिलाड़ी शामिल हुए, जिसमें भागलपुर के खिलाड़ियों ने बेहतरीन तलवारबाजी का प्रदर्शन करते हुए कई मेडल पर कब्जा जमाया। उन्होंने बताया कि अंडर 14 सब जूनियर में भागलपुर टीम उप विजेता रही, जबकि EP इवेंट में एंजिला और सेवरे इवेंट में कृति मेहता ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया, जबकि अलग अलग इवेंट में आशियाना रोजलीन टुडू, तनुप्रिया, अन्वेषा मिश्रा, परिधि झुंझुनवाला ने रजत पदक पर कब्जा जमाया। इसके अलावा जहानवी केडिया, अन्वेषा मिश्रा, तनुप्रिया, सलोनी झुंझुनवाला और आशि आनंद ने कांस्य पदक जीता। बता दें कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भागलपुर टीम के साथ टीम मैनेजर डॉक्टर मुकेश सिन्हा, कोच राजेश कुमार साह और रेफरी के रूप में संतोष कुमार मौजूद रहे। वहीं भागलपुर तलवारबाजी बालिका टीम की इस सफलता पर कार्मेल स्कूल की प्राचार्य सिस्टर सैंड्रा ने स्कूल के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इसके अलावा स्कूल के कई शिक्षकों के साथ जिला संघ के पदाधिकारियों ने भी टीम की सफलता पर बधाई दी है। 2022 तक मोतिहारी के खेल भवन में बिहार राज्य स्तरीय तलवारबाजी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें भागलपुर उप विजेता रहा। इसमें 3 गोल्ड, 7 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज के साथ भागलपुर टीम उप विजेता रही। हमारे यहाँ के खिलाड़ियों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा, जिसमें जूनियर में चैंपियन रहा हमारा टीम और कैडेट में भी चैंपियन रहा, सब जूनियर में सेकेंड प्लेस रहा।
इस तरह से टोटल हमारे खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन रहा। इसमें कार्मल स्कूल के खिलाड़ी और सेंट जोसेफ स्कूल के खिलाड़ी ने भागलपुर जिला तलवार बाजी संघ की तरफ से भाग लिया था। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 11 सूत्री मांग को लेकर फुटकर विक्रेताओं ने दिया धरना, नगर आयुक्त ने दिया आश्वासन। भागलपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स ने सदस्यों की सूची की जारी, अध्यक्ष बोले फुटकर विक्रेता भी हमारे पार्टनर। सरकार के निर्देश पर सीओ ने पंचायत में चल रही योजनाओं की ली जानकारी, गुणवत्तापूर्ण कार्य का दिया निर्देश। रेलवे वरिष्ठ विमान की मांग को लेकर सभी दलों के नेता हुए एकजुट, कहा 10 दिनों में नहीं हुआ काम तो रेलवे का चक्का होगा जाम। और जंगलेश्वर महादेव मंदिर से निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।